नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी मेंटोर पे। दोस्तों, हम कक्षा सातवीं के हमारा पर्यावरण से पाठ वायु को पढ़ रहे थे। दोस्तों, हमने उसका पहला जो पाठ है वो कंप्लीट कर लिया है, जिसमें हमने वायुमंडल के संगठन के बारे में हमने पढ़ा था। दोस्तों, अब हम इस पाठ में हम जा रहे हैं वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ने, कि वायुमंडल की जो संरचना है वो किस प्रकार से है। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वायुमंडल की संरचना क्या होती है। और दोस्तों, मैंने आपके स्क्रीन के ऊपर ये हाईलाइट कर रखा येलो कलर से, ज़रा उसकी संरचना के बारे में। इसकी संरचना के कुछ नाम है दोस्तों, जैसे वायुमंडल के कई स्तर हैं, 1, 2, 3, 4, 5। भूपर्पटी से, क्रस्ट से ऊंचाई तक जाएंगे तो आपको ये जो संरचना है आपको दिखाई देनी चालू हो जाएगी। दोस्तों, हमारी वायुमंडल की जो संरचना है वो कई भागों में बटी हुई है, जिसे एक को बोलते हैं क्षोभ मंडल, दूसरे को समताप मंडल, तीसरे को मध्य मंडल, चौथे को वाह्यमंडल और वाह्य एवं बहिर्मंडल। चलिए दोस्तों, मैं इंग्लिश में इसका एक बार नाम बता देता हूँ। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, समताप मंडल को स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं, मध्य मंडल को मेसोस्फेयर बोलते हैं और वाह्यमंडल एवं बहिर्मंडल, वाह्यमंडल को आयनोस्फेयर बोलते हैं, या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है आयन मंडल। उसके बाद है बहिर्मंडल, इसे एक्सोस्फेयर के बारे में, इसको एक्सोस्फेयर बोलते हैं। दोस्तों, जरा स्क्रीन के ऊपर एक बार आप देख लीजिए, मैं फिर से आपको दिखा रहा हूँ। सबसे नीचे है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर है क्षोभ सीमा। तो क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा के बीच में ही हम सभी लोग रहते हैं दोस्तों, और यहीं पर ढेर सारे जितने भी पर्यावरणीय मौसमी क्रियाएं होती हैं वो होती हैं, जैसे वायु, जैसे बादलों का बनना, बिजली का कड़कना, बारिश होना, चक्रवात, तूफान, जो भी आप नाम ले सकते हैं, हुदहुद, जो भी नाम है आपको पता होंगे ढेर सारी चीज़ें, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। तो ये जितनी भी ढेर सारी प्रक्रियाएं होती हैं दोस्तों, ये सभी कहाँ होती हैं, क्षोभ मंडल में होती हैं। उसके ऊपर है दोस्तों समताप मंडल। समताप मंडल में जो है हवाई जहाज़, रॉकेट जेट चलते हैं, यहाँ का जो तापमान होता है वो सम होता है। उसके बाद है मध्यमंडल। मध्यमंडल के बारे में आपको डिटेल बताऊंगा दोस्तों, मध्यमंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मध्यमंडल के ऊपर है वाह्यमंडल, वाह्यमंडल के ऊपर है बहिर्मंडल, आप इसको देख लेना। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू से एक बार फिर से पढ़ते हैं, आप इसको समझने की कोशिश करना, और जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना, ठीक है। एनसीईआरटी किताब तो आप बार बार पढ़ते रहोगे, मैंने आपकी एनसीईआरटी को बहुत आसान कर दिया है, ठीक है। दोस्तों, हम जाते हैं क्षोभ मंडल के बारे में पढ़ते हैं। तो क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई है धरती से लेकर के 13 किलोमीटर तक है। दोस्तों, ये जो ऊंचाई है किसी किसी किताब में ज़्यादा भी होती है, जैसे कहीं पे 8 किलोमीटर, कहीं पे 18 किलोमीटर। ये जो 13 किलोमीटर है दोस्तों, ये फिक्स नहीं है। मैं आपको एक बात और बता दूँ, जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल दूँ कि अगर ये 13 किलोमीटर है, तो अगर ये 13 किलोमीटर ध्रुवों पर है, तो ये भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 20-22 किलोमीटर तक होगा। यदि ये ध्रुवों पे 8 किलोमीटर है, तो इक्वेटर के ऊपर कितना होगा, 18 किलोमीटर तक होगा। ऐसा क्यों है दोस्तों, क्योंकि जो ध्रुव हैं, ध्रुव के ऊपर लो प्रेशर पाया जाता है। लो प्रेशर यानी वहाँ पे जो वायुमंडल है वो ठंडा है, बहुत ज़्यादा ठंडा है, कोल्ड है, फ्रॉस्ट है, जमा हुआ है, बर्फ़ है। तो जो भारी गैसें होती हैं, जो ठंडी गैसें होती हैं वो क्या होती हैं, भारी होती हैं। इस वजह से वहाँ का जो वायुमंडल नीचे झुका हुआ है। इसके अलावा यदि आप इक्वेटर पे जाओगे, यानी भूमध्य रेखा पे जाओगे, तो वहाँ पे गर्मी पाई जाती है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पाई जाती है। इसलिए उनका जो वायुमंडल है वो बहुत ही ज़्यादा ऊँचा है। उसका जो कारण ये है, क्योंकि जो गर्म गैसें हैं वो हमेशा गर्म होकर के ऊपर उठती हैं दोस्तों, ठीक है। दोस्तों, ये मैंने आपको बात बता दी है, तो मैं थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। यहाँ पे वर्षा, कोहरा, ओला वर्षण इत्यादि चीज़ें होती हैं, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। तो उसके बाद है समताप मंडल, ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग जो है समताप मंडल कहलाता है। ये 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। हाँ दोस्तों, 50 किलोमीटर से, लेकिन अंतिम बाउंड्री है 50 किलोमीटर से ऊपर तक ही, 50 किलोमीटर से नीचे ही, और यहीं पे सभी वायुयान, रॉकेट वगैरह उड़ते हैं। दोस्तों, यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन यहाँ पे जो वायु के कण हैं वो बहुत दूर दूर तक होते हैं, और वायु के कण बहुत दूर दूर तक होने कारण यहाँ पे
टेम्परेचर का अधिक होने का आभास नहीं होता है, लेकिन यहाँ का तापमान जो बहुत ज़्यादा होता है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं मध्यमंडल के बारे में पढ़ने के। मध्यमंडल क्या है? मध्यमंडल को मेसोस्फेयर बोलते हैं। यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा मध्यमंडल। हाँ जी हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बाह्य ठीक है, मध्य सीमा और मध्यमंडल। मध्यमंडल को बोलते हैं मेसोस्फेयर और मध्य सीमा को बोलते हैं मेसोपॉज। अब दोस्तों देखिए इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका महत्व क्या है, मैं आपको बता दूँ कि मध्यमंडल में ही ओजोन लेयर बनना चालू होती है। एक रासायनिक अभिक्रिया के तहत ओजोन लेयर बनती है, ऑक्सीजन के साथ में एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके अंतर्गत ओजोन लेयर बनना चालू होती है, ओजोन बनना चालू होती है, ठीक है, ओजोन गैसेस बनना चालू होती हैं। और ये ओजोन गैसेस क्या होती हैं, यहाँ पे मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, ये ओजोन गैसें आ करके समताप मंडल की किसी सीमा के ऊपर जमा हो जाती हैं। तो मध्यमंडल से ओजोन गैस आकर के समताप मंडल के ऊपर जमा होती है और यही जो ओजोन गैस है उसे यहाँ पर ओजोन लेयर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये ओजोन लेयर जो है रोज़ बनती है रोज़ बिगड़ती है, यानी कि जैसे वायुमंडल एकदम स्वच्छ है, आपने पेड़ पौधे लगा रखे हैं, जैसे आजकल लॉकडाउन में चल रहा है या फिर पर्यावरण प्रदूषण नहीं हो रहा है, तो ये ओजोन लेयर बहुत ज़्यादा मात्रा में बनेगी, बनती है सबसे ज़्यादा मात्रा में, लेकिन उसका क्षरण नहीं होता है। ये समताप मंडल के ऊपर आकर के जमा हो जाती है यहाँ पे, हाँ, उसका क्षरण नहीं होता है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो मोटी होती है उसकी होती जाती है, जिसकी वजह से पराबैंगनी हानिकारक जो किरणें हैं वो हमारे पृथ्वी के ऊपर नहीं आ पाती, जिससे कि कैंसर जैसी और ढेर सारी बीमारियों से हम बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो आगे चलते हैं। उसके बाद है दोस्तों वायुमंडल है, ठीक है, आयन मंडल इस परत भाग, ठीक है, मैंने आपको एक बात बताई थी कि आयन मंडल के बारे में, आयन मंडल इस परत का एक भाग है, आप इसको पढ़ लेना। ये 80 से 400 किलोमीटर तक होता है दोस्तों। इसकी जो खास बात है, इसमें ढेर सारे लेयर्स होती हैं, छोटी 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 और लेयर है, जैसे डी लेयर, ई लेयर, एफ लेयर, या फिर इसको कई कई जगह पे डी ई ई वन ई टू ई थ्री एफ वन एफ टू एफ थ्री, ढेर सारे वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने नाम दे रखे हैं। इससे जो फ़ायदा होता है वो ये होता है कि दूर संचार में, कम्युनिकेशन में हमें हेल्प मिलती है। और एक सेकेंड दोस्तों, हाँ दोस्तों, हम अभी वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे थे, तो मैं बता रहा था कि जो वायुमंडल है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसी के द्वारा कम्युनिकेशन, सैटेलाइट का कम्युनिकेशन जो है उसको लॉन्च करना, रेडियो को चलाना, ये जो जितनी भी प्रकार की चीज़ें होती हैं वो इन लेयर्स की मदद से होती हैं। ये जो लेयर्स हैं ये रेडियो धर्मी हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग सैटेलाइट को टीवी चलाने में, एंटीना चलाने में, और क्या कह सकते हैं इसको, और भी जितनी भी कम्युनिकेशन की चीज़ें होती हैं इसमें ये हमारी मदद करती है। चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं हम लोग। आगे है दोस्तों बहिर्मंडल। बहिर्मंडल में हल्की गैस हैं जैसे हीलियम और हाइड्रोजन की प्रधानता पाई जाती है, और हीलियम हाइड्रोजन से अंतरिक्ष में तैरती, और दोस्तों हाँ, हाइड्रोजन हीलियम जो ये वायुमंडल के अंदर तैरती रहती है। इसका कोई हमारे लिए बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन हाँ, उल्का पिंड को आने से ये रोकते हैं। ठीक है दोस्तों, मुझे तो लगता है कि आपको ये सारी बातें हैं जो वो समझ में आ गई होंगी। अगले खंड में हम मौसम एवं जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ी सी चीज़ें और मैं आपको बता देता हूँ जाने से पहले, इस पार्ट में हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, ये सबने सब कुछ हमने पढ़ लिया है। वायु गर्म होती है, ठीक है। एक यहाँ पर बच्चों दोस्तों ये ब्लू बॉक्स में आपको दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें हैं स्टार की, क्या आप जानते हैं, इसको आप आराम से पढ़ लेना। इसके बारे में आपको ऐसे ही बता देता हूँ कि जो ठंडी वायु होती है वो भारी होती है और नीचे बैठती है, और जो गर्म वायु होती है वो हल्की होती है और ऊपर को जाती है। अभी जब मैं आपको थोड़ी देर पहले ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता रहा था तो मैंने ये बात आपको समझाई थी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे, ठीक है, इसके अगले पार्ट में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।